हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मी किचन। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हैदराबादी टोस्ट। हैदराबादी टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 आलू लिए हैं। अब हम इसको मैश्ड कर लेंगे। आलू को हमने मैश्ड कर लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। इसके बाद हम मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची हमने डाली है यहाँ पर। अब हम इसमें खड़ी धनिया डालेंगे जो हमने यहाँ पर ददरी पीस ली थी। अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। यहाँ हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है। 1 चम्मच यहाँ पर हमने कॉर्नफ्लोर का डाला है और 1/2 चम्मच मैदा का डाला है। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको घोल लिया है। घोल हमें ज़्यादा यहाँ पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इस तरीके से हमारा होना चाहिए घोल, आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर हमने ब्रेड्स को इस तरीके से काट लिया है। अब हम इसमें मैश्ड आलू लगाएंगे ऊपर से। इस तरीके से हम सभी ब्रेड में आलू लगा लेंगे। सारी ब्रेड में हमने यहाँ पर मैश्ड आलू को लगा लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने यहाँ पर तेल डाल दिया है। तेल को गर्म होने देंगे। अब ब्रेड को हम घोल में डालेंगे। पहले इस तरीके से हम डालेंगे और उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में ऐसे डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर देंगे। पहले हम तेज फ्लेम रखेंगे, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम कर देंगे। ये फ्राई हो चुका है, कलर इसका ब्राउन हो गया है। अब हम इसको उतार लेंगे। इस तरीके से हम दूसरी ब्रेड में भी ऐसे ही करेंगे। घोल में पहले हम लगा लेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में इसको डिप करेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। इसी तरीके से हम सारे फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर हमने सभी को फ्राई कर लिया है और हमारा हैदराबादी टोस्टर रेडी हो चुका है। अब उसमें हम ऊपर से लाल चटनी लगाएंगे। अब हरी चटनी लगाएंगे। हरी चटनी लगाने के बाद हम इसमें ऊपर से नमकीन डालेंगे। अब इसमें ऊपर से हम अनियंस डालेंगे। हैदराबादी टोस्टर बनके रेडी हो चुका है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रेसिपी आपको मिल सके। थैंक यू।